व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आपने टाइटल एंड थंबनेल से तो देख ही लिया होगा इस वक्त हम कहाँ पे हैं। तो राइट नाउ वी आर इन आइसलैंड। आई थिंक मैंने जब कनाडा की सीरीज स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बताया था कि हमें कनाडा से पोलैंड जाना है, बट जो टोरंटो से हमारी फ़्लाइट थी पोलैंड तक की उसमें पहले हमारा लेओवर था आइसलैंड में। तो अभी हमारे पास 14 घंटे हैं आइसलैंड में एंड फिर है हमारी पोलैंड की फ़्लाइट। तो आज के व्लॉग में आपको थोड़ा बहुत आइसलैंड घुमाता हूँ। मैं तो ऑलरेडी आइसलैंड आया हुआ हूँ, उस टाइम पर काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई थी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर आपको देखनी है। बट वेरोनिका का फर्स्ट टाइम है। यू लाइक आइसलैंड सो फार? या एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट इंप्रेशन, राइट? सो इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट प्लैनेट, इट्स नॉट सिमिलर टू एनीथिंग एल्स, राइट? तो आइसलैंड बिल्कुल डिफरेंट है किसी भी कंट्री से। एंड अगर मैं नेचुरल ब्यूटी की बात करूँ तो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंट्रीज़ है। तो आइसलैंड हम पहुँचे थे सुबह 5 बजे एंड सबसे पहले मैंने एयरपोर्ट से गाड़ी रेंट कर ली थी क्योंकि 14 घंटे का लेओवर था, तो एयरपोर्ट पर बैठने का तो कोई फ़ायदा नहीं था। I thought that pond was your favorite when it comes to natural beauty. What are you talking about? And Iceland में क्या है, जो एयरपोर्ट है वो जो मेन सिटी है इनकी रेकाविक उससे 50 किलोमीटर दूर है एंड गाड़ी के बिना यहाँ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक दिन के लिए मैंने गाड़ी रेंट कर ली, इवन दो जो हमारा ले ओवर है वो टोटल 14 घंटे का है। तो आज का पूरा दिन है हमारे पास, अभी सुबह के 8 बजे हैं एंड जो पहली लोकेशन पे हम आए हैं वो है यहाँ की फेमस एक वाटरफॉल। नेम मुझे पता नहीं एग्जैक्टली प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। बहुत ही मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है यहाँ आइसलैंडिक में। बिल्कुल सामने मेरी वाटरफॉल है, मैंने विज़िट करी हुई है ये वाली वाटरफॉल, अभी आपको दिखाता हूँ। एंड इवन दो यार सुबह के 8 बजे हैं तब भी ऑलरेडी भीड़ लग गई है, आराम से मतलब 20-30 बंदे होंगे यहाँ पे। People are going underneath that waterfall, but we are not going there. It's way too cold for that. Temperature इस वक्त आई थिंक -1 है, बट फील्स लाइक -4, -5 है क्योंकि थोड़ी सी हवा चल रही है। आइसलैंड में स्टॉर्म्स आते रहते हैं। But you know, air seems so fresh here. Yeah, it's like air freshener. ये है मेरे सामने वाटरफॉल। आइसलैंड लैंड ऑफ वाटरफॉल्स है आप कह सकते हो, इतनी सारी वाटरफॉल्स हैं इस कंट्री में। Are you sure you don't want to go underneath the waterfall? No, not right now. I'm way too cold. I wasn't prepared for this. And this is only the first waterfall. We are going to another one. Okay, let's go. And I don't know, आपको लोग दिख रहे हैं नहीं, but वो सारे लोग waterfall के पीछे गए हुए हैं। आप पीछे walk करके जा सकते हो, but वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है, अभी सुबह सुबह गीले हो जाएंगे पूरे। And we can fly the drone here. We can? It's prohibited. No, there is a sign there. But last time I flew the drone here, I took many shots. But you shouldn't. No drones. यहाँ पे मैंने भी नोटिस किया साइन लिखा हुआ है नो ड्रोन्स, बट लास्ट बार मैंने काफ़ी ड्रोन उड़ाया था यहाँ पे, बहुत सारे शॉट लिए थे इस वाटरफॉल के, बट मुझे लगता नहीं कुछ होगा अगर आप उड़ाओगे भी तो, सुबह सुबह कौन ही चेक करने आ रहा है। एंड बहुत सारे लोग इनमें वो है जो यहाँ सुबह सुबह वाटरफॉल पे आए हुए हैं, जो यहाँ कैंपिंग करते हैं, ऐसी ये कैंपर वैन बहुत सारी खड़ी हैं यहाँ पे, आप पार्क करके ओवरनाइट स्टे कर सकते हो। एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टॉल भी है खाने पीने की, एक कपड़ों की स्टॉल है, इवन दो ये इतनी रिमोट जगह है बट क्योंकि बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसलिए यहाँ पे इन्होंने स्टॉल वगैरह बनाई हुई है। तो ये बिल्कुल इकोनॉमी गाड़ी रेंट करी थी एंड ये मुझे पड़ी 6,000 रुपये की एक दिन के लिए। वैसे मैं इसको कल रिटर्न कर सकता हूँ बट क्योंकि मेरी फ़्लाइट ही है शाम को पोलैंड की, तो इसे अराउंड 6-7 बजे रिटर्न कर दूंगा एयरपोर्ट पे ही। एंड अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन। एंड जितनी भी ये स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं आइसलैंड नॉर्वे, यहाँ पे आप कोई भी गाड़ी रेंट करो कितनी भी सस्ती हो, एक फ़ीचर ज़रूर मिलता है वो है ये हीटेड सीट्स का, क्योंकि ठंड इतनी होती है। तो फाइनली आ गए हैं अपनी सेकंड लोकेशन पे, यहाँ की स्कोगा फॉस वाटरफॉल। ये सबसे मेजेस्टिक वाटरफॉल्स में से एक है, इतनी सारी वाटरफॉल्स हैं आइसलैंड में एंड मैंने टोटल 4 वाटरफॉल विज़िट करी हैं, उसमें से ये जो है स्कोगा फॉस एंड एक और है गल फॉस, ये दोनों सबसे मेरी फेवरेट थी। एंड मैंने जितनी भी विज़िट करी है वाटरफॉल वो सारी सदर्न आइसलैंड की करी है,
क्योंकि पिछली बार भी मेरे पास टाइम नहीं था नॉर्दर्न आइसलैंड जाने का, क्योंकि अगर आप रेकाविक से ड्राइव स्टार्ट करोगे तो सबसे पास यही पड़ेगा आपको, यहीं से बहुत पास एक और टाउन है इनका विक, जो बहुत ही सुंदर जगह है। एंड ये है मेरे पीछे यहाँ की स्कोगा फॉस वाटरफॉल। इस वाटरफॉल के लिए आप ऊपर चढ़ के भी जा सकते हो, बहुत सारे लोग जाते हैं, साइड में सीढ़ियाँ हैं अगर आपको ऊपर से व्यू देखना है, बट यार उसके लिए तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो जाएगा। पूरी रात सोए भी नहीं है क्योंकि हमारी 5.5 घंटे की फ़्लाइट थी टोरंटो से, तो अगर मैं टोरंटो के टाइम से देखूं तो अभी 1 या 2 बज रहे हैं टोरंटो में। एंड वाटरफॉल के पास इतनी ज़्यादा मिस्ट उड़ती है ये। यार बस वाटरफॉल देख के निकले ही थे जो मैंने आपको अभी दिखाई स्कोगा फॉस, बट नींद इतनी ज़्यादा तेज़ आ रही थी कि हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई एंड 3-4 घंटे आराम से सो गए। एंड अब वापस रेकाविक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम जहाँ थे वो 2.5 घंटे दूर है रेकाविक से, तो अब वापस जा रहे हैं रेकाविक की तरफ। 2 बज गए हैं ऑलरेडी, एयरपोर्ट हमें 4-5 बजे तक जाना है, एंड रेकाविक पहुँचने में अभी 40 मिनट और लगेंगे, तो थोड़ी देर रेकाविक घूमेंगे। आपको भी रेकाविक दिखा दूंगा जो कैपिटल है आइसलैंड की। एक बार रास्ते में रुके थे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आइसलैंड जो कंट्री है इसमें वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जियो थर्मल एक्टिविटी होती है, कि मतलब जितनी भी सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा आइसलैंड में है। तो अभी रास्ते में हम जा रहे थे एंड यहाँ मतलब ज़मीन से धुआं आ रहा था स्टीम, तो हमने सोचा रुक के देखते हैं। तो ये जितना भी आप पानी देख रहे हो सारा नेचुरली हॉट है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि स्ट्रीम इरप्शन हो सकती है, हॉट स्प्रिंग है, सारा ये नेचुरल स्टीम आ रहा है ज़मीन के अंदर से, बिल्कुल बॉइलिंग हॉट पानी होगा ये। तो ये देखो आप कितनी ज़्यादा स्टीम आ रही है ग्राउंड के अंदर से। फाइनली पहुंच गए रेकाविक, वो सामने उनका मेन चर्च दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिटी है छोटी सी। ना बस गाड़ी की पार्किंग ढूंढनी है, एंड मुझे लगता नहीं कि इतनी मुश्किल होगी पार्किंग ढूंढनी, बहुत जगह है यहाँ पे, सामने आई थिंक पूरी स्ट्रीट है जहाँ पे आप पार्किंग लगा सकते हो। पार्किंग तो इजीली मिल गई बिल्कुल सेंटर में, अब ये देख के आना है कि पे कहाँ करना है। आई थिंक सामने पार्किंग मीटर लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है पार्किंग मीटर, बिल्कुल सेम है जैसा पोलैंड में होता है। तो अब यहाँ पे कार्ड टैप करना है या फिर सिक्के डालने हैं, सिक्के ऑब्वियसली मेरे पास है नहीं। 1 घंटे की 54 मिनट्स की पार्किंग पड़ रही है 200 आइसलैंडिक क्रोना, तो मैंने कार्ड से 200 आइसलैंडिक क्रोना पे किए, 120 रुपये होते हैं। अब ये बस डैशबोर्ड पे लगानी होती है ये स्लिप, रहने का व्हाट आर यू वेयरिंग, योर पैंट्स, माय हुडी, माय पैंट्स। ये कंट्री इतनी ज़्यादा खाली है, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं दिख रहा है यहाँ सेंटर पे, ऐसा लग रहा है कोई रहता ही ना हो यहाँ। रेकाविक के सेंटर में 2-3 चीज़ें हैं मेन देखने वाली, एक तो इनका मेन चर्च है सेंटर में जैसा हर यूरोपियन सिटी में होता है, उसके अलावा ये इनकी एक रेनबो स्ट्रीट है, ये इन्होंने ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दी, एक नॉर्मल सी स्ट्रीट है बस उसे ये रेनबो पेंट किया हुआ है। तो वैसे तो इतना कुछ खास नहीं है बट स्टिल लुक्स नाइस। अब सामने मेन चर्च तक और जा रहे हैं, उसके बाद कोई ग्रोसरी स्टोर ढूंढेंगे, हमें ग्रोसरी स्टोर विज़िट करना है, देखते हैं आइसलैंडिक ग्रोसरी स्टोर कैसा होगा, आपको प्राइसेस भी दिखा दूंगा, क्योंकि आइसलैंड आई थिंक सबसे महंगी कंट्रीज में से एक है पूरे यूरोप की। This is what Vikings were drinking from. These are Viking cups. And I think it's real, Veronica. It's real. Look at how expensive they are. यहाँ पे सुवेनियर स्टोर पे ऐसे स्कोन और कप्स मिल रहे हैं जिनमें ये वाइकिंग लोग पीते थे पहले, अगर आपने वाइकिंग टीवी शो देखा है। एंड अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ट्रैवल करोगे जैसे नॉर्वे, स्वीडन, वहाँ पे आपको इस टाइप के घर बहुत मिलेंगे, ये आई थिंक टिन के बने होते हैं, यहाँ आइसलैंड में भी है, नॉर्वे में सारे घर ऐसे होते हैं। तो ये है पूरे आइसलैंड का मेन चर्च, यहाँ का चर्च सबसे ज़्यादा यूनिक है, मैंने इतने सारे चर्च देखे हैं यूरोप में बट ये सबसे यूनिक में से एक है। यू ऑल्सो थिंक सो दैट इट्स द मोस्ट यूनिक चर्च? या इट्स कंप्लीटली डिफरेंट any church I have ever seen. Yeah, exactly. बिल्कुल different infrastructure है, ऐसा और कहीं नहीं है चर्च। And सामने ही बिल्कुल grocery store है, इसके बाद वहीं चलते हैं। तो जो थोड़ी बहुत basic चीज़ें होती हैं उनका price दिखाता हूँ आपको, जैसे ये एक coke का can 250 Icelandic krona का है, 250 Icelandic krona around 180 रुपये होते हैं,
एक कोका कैन काफ़ी महंगा है, एक किटकैट भी 180 रुपए की है। एंड ये देखो आप, ये आइसलैंडिक वाटर है, तो एक छोटी पानी की बोतल ये 300 रुपए की है इतनी सी। तो यार जितनी उम्मीद थी उससे भी बहुत ज़्यादा महंगा है स्टोर। आई थिंक इट्स इवन मोर एक्सपेंसिव देन कनाडा। Yeah, I guess Canada wasn't that expensive. तो सामने एक नॉर्मल रेस्टोरेंट है, इसका मेन्यू बाहर लगा हुआ था, तो मैंने सोचा आपको थोड़े बहुत प्राइसेस बता देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि कितना महंगा है आइसलैंड। तो एक जैसे ये मील सैंडविच के साथ सिर्फ कोक एंड फ्राइज, ये आपको पड़ेगा 1000 रुपये का। अगर बर्गर लेना है तो 1200 रुपये का। And it looks like a very cheap place. Yeah. तो गाइज अब है अगला दिन एंड वी आर फाइनली बैक इन पोलैंड। आई थिंक अराउंड 5.5 महीने बाद हम पोलैंड वापस आए हैं। पिछले 5 साल में ये सबसे लंबा टाइम था जो मैं पोलैंड से बाहर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि पहले मैं पोलैंड रहता था एंड अब रिसेंटली 1.5 साल के लिए मैं इंडिया मूव हुआ हूँ। एंड पोलैंड आने का मेन रीज़न यही था कि वेरोनिका अपनी फैमिली से मिल लेगी, वैसे भी रस्ते में ही आता है। अगर हम कनाडा से डायरेक्ट दिल्ली की फ़्लाइट लेते तो भी कहीं ना कहीं यूरोप में हमेशा स्टॉप होता ही है। एंड वैसे तो आज मैं पोलैंड आया हूँ, बट कल मुझे यहाँ पोलैंड से निकलना है फिनलैंड के लिए एक और ट्रिप के लिए। उस वाली ट्रिप पे वेरोनिका मेरे साथ नहीं आ रही। 5 दिन के लिए मैं फिनलैंड जा रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल रिजॉर्ट ने मुझे इनवाइट किया है फिनलैंड में। तो कल मेरी फ़्लाइट है वॉर्सो पोलैंड से, बट अभी जिस सिटी में मैं हूँ ये है व्रोत्सोव जहाँ मैं रहता था। एंड अब इतने टाइम बाद पोलैंड वापस आया हूँ तो थोड़े बहुत पहले काम करने हैं। एक तो मैं गाड़ी बेच के नहीं गया था, मेरे पास जो पोलैंड में गाड़ी थी वो मैंने वेरोनिका की मम्मी के घर पे खड़ी कर दी थी, तो एक बार पहले गाड़ी धोने जाना है। गाड़ी बिल्कुल गंदी हुई हुई है क्योंकि आज ही मैं वॉर्सो के लिए निकल जाऊंगा। कल सुबह सुबह की 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है, तो आज मैंने वॉर्सो में एयरबीएनबी बुक करा लिया, तो गाड़ी बिल्कुल गंदी हुई हुई है स्पेशली अंदर से। तो पहले गाड़ी साफ़ करा के आता हूँ। एंड ये जो फ़ोन है Flip 4, ये मैंने यहाँ पोलैंड से लिया था पापा के लिए, एंड 2 महीने बाद ही इसकी ये पूरी स्क्रीन ख़राब हो गई है, तो ये भी लेके जाना है सैमसंग पे ठीक कराने के लिए। इतने टाइम बाद पोलैंड में गाड़ी चलाऊंगा। एंड एक तो इतने टाइम से मैंने मैनुअल गाड़ी नहीं चलाई, इंडिया में भी अब ऑटोमेटिक ले ली थी, कनाडा में भी मैं ऑटोमेटिक चला रहा था, तो आइसलैंड में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी चलाने में। 7-8 महीने बाद चलाई थी मैनुअल कार, बट सबसे ज़्यादा मैंने कहीं गाड़ी चलाई है तो वो यूरोप में ही है। ये गाड़ी मैंने 80,000 किलोमीटर चला दी है सिर्फ 3 साल के अंदर, जितनी भी सारी यूरोप की रोड ट्रिप करी थी वो सारी इसी गाड़ी में है। पेट्रोल भी बिल्कुल खाली पड़ा है, पेट्रोल भी डलवाना है। एंड ये भी नहीं पता रेट क्या चल रहा है यहाँ पे पोलैंड में। जब मैं गया था तो लास्ट 130-140 चल रहा था। एंड यार पोलैंड में हमेशा वेदर बिल्कुल क्लाउडी रहता है, विंटर्स में बिल्कुल ही धूप नहीं निकलती, ये थोड़ी सी बेकार चीज़ थी पोलैंड की। पिछले 3 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है बट हर जगह इतना ज़्यादा जाम मिल रहा है। जिस दिन हम टोरंटो से निकले थे उस दिन हमें एयरपोर्ट पहुंचने में 2.5 घंटे लग गए थे जो 1 घंटे का रास्ता था। कल आइसलैंड तक में मुझे जाम मिला शाम को एयरपोर्ट जाते हुए, एंड आज यहाँ पोलैंड में भी जाम लगा हुआ है, जबकि पोलैंड में मैंने कभी जाम नहीं देखे, सारी रोडें हमेशा खाली होती थी। बट आई थिंक अब पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है पोलैंड की, इतने सारे लोग आ गए हैं यूक्रेन से। पोलैंड में मोस्टली सारे कार वॉश ऐसे होते हैं, आपको खुद ही धोनी होती है गाड़ी, आप या तो डायरेक्टली सिक्के डाल सकते हो यहाँ पे, बट सिक्के मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे ये है कार टैप करने का। एंड ये सारे ऑप्शन होते हैं, तो पहले बाहर से साफ़ करता हूँ। बाहर से इतनी गंदी नहीं है, मेन मुझे अंदर से साफ़ करनी है। एंड अंदर से साफ़ करने के लिए वो सामने वहाँ वैक्यूम क्लीनर लगाए होते हैं। तो गाड़ी हो गई है एकदम साफ, बस अब फ़ोन का काम और करना है एंड फिर डायरेक्ट निकलना है व्हाट्सएप के लिए। तो फ़ोन क्योंकि वारंटी में था तो इन्होंने रिपेयर के लिए ले लिया है, अब 1 हफ्ते में देंगे ठीक करके, तो अब 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। फिर मैं सोच रहा हूँ ये फ़ोन यहीं बेच ही दूंगा क्योंकि ज़्यादा कुछ पसंद आया नहीं पापा को भी। ये फ्लिप एंड फोल्ड मैंने ले ही लिया था दुबई से, एंड अब 1-2 काम और करने हैं। एक तो मुझे फिर से अपना पोलैंड वाला नंबर एक्टिवेट कराना है क्योंकि इंटरनेट उसी से चलेगा, एंड अच्छी चीज़ ये है कि पोलैंड वाली जो सिम है वो पूरी EU में चलती है, तो फिर फिनलैंड में भी उसी से इंटरनेट यूज़ कर लूँगा। तो सिम एक्टिवेट करानी है, एंड एक मुझे लेना है फास्ट चार्जर, मैंने पूरा ये चार्जिंग स्टेशन ही ले लिया।
इसमें दो USB-C हैं, दो USB है, क्योंकि फिर जो मेरी MacBook वाली ब्रेक है मुझे वो भी नहीं कैरी करनी पड़ेगी, सिर्फ एक ये रख लूँगा। ये 3,500 का है। तो काम जितने भी सारे करने थे सारे हो गए हैं, बस अब एक बार जा रहा हूँ घर, वेरोनिका को थोड़ा बहुत सामान देना है, फिर निकलूँगा डायरेक्ट वार्सो के लिए। बट जो फिनलैंड की वीडियोज़ हैं वो मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट व्लॉग से। आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।